कुछ नए प्रॉब्लम्स हैं, नई क्वारीज हैं, उनकी बात करेंगे ब्रीफ में। ये बार बार पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, वेदर यू हैव पास्ट मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेलेक्ट सेट इज नॉट कंडक्टेड। इसको समझा दूं जरा, ये है यूजीसी की वो लिस्ट जो जिनके वो टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी मतलब यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जो इस लिस्ट में नहीं आता, ठीक। मोस्टली यूजीसी के ये जो पोस्ट हैं, पर आप फिर भी आपको देखना पड़ेगा, कोई ऑड है, जैसे पंजाबी वाले पूछ रहे हैं या लैंग्वेज वाले पूछ रहे हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, इवन उर्दू आप देख सकते हो, ये लिस्ट आपके सामने है, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मतलब इनका नेट अगर कंडक्ट होता है, ये यूजीसी की लिस्ट है जिस सब्जेक्ट का नेट कंडक्ट होता है, अगर नेट कंडक्ट होता है तो इनको यूजीसी नेट पास करना होगा। अगर इन सब्जेक्ट के अलावा आपका कोई सब्जेक्ट है, वहां क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो उसके लिए नेट आपको नहीं पास करना होगा, उसके बिना ही आप एलिजिबल हो। ये बात पहले वैसे कई वीडियो में मैंने 2-3 बार समझा चुका हूं, तो ये आंसर आपका यहां आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश के हो, है ना, तो इंग्लिश का नेट एग्जाम कंडक्ट होता है, आप इंग्लिश के हो आप नो फिल करोगे, आप पंजाबी के हो आप नो फिल करोगे, आप कॉमर्स के हो नो फिल करोगे, आप इकोनॉमिक्स के हो नो फिल करोगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट सारे, मैंने कुछ एग्जांपल दिए, सभी नहीं देख सकता, आप लिस्ट देख लीजिए वो। तो दूसरी बात, अगर आपका नेट क्लियर है, सिंपल, कंफ्यूज मत होइए, आपका नेट पास आपने किया हुआ है, ठीक है, तो नेट पास है तो यहां नो आना है। आपको कुछ लोगों के फोन आए कि उन्होंने अथॉरिटी को फोन किया, उन्होंने यस कह दिया है कि नहीं। पहले आप अपने ब्रेन से समझ लीजिए, मैं सिर्फ समझने में आपकी हेल्प करूंगा। वो मैंने बता दिया है कि वो मास्टर डिग्री सब्जेक्ट जिनका यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं करवाती, ठीक है, तो आपका अगर नेट क्लियर है इसका मतलब करवाती है, इसका मतलब आपका नो आएगा, क्योंकि यहां नॉट है तो यहां नॉट है, आपके पास डबल डायरेक्टिव है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले, वो सारे इसके रिलेटिव ही आएंगे। एक वो उन्होंने पूछा था कि, हाँ, ये सीजीपीए का क्वेश्चन पूछा है कि सीजीपीए यहां मैं फिल करता हूं तो क्या मुझे डिवीजन फिल करनी होगी। आप सीजीपीए के मार्क्स भी होते हैं, कन्वर्जन टेबल भी होता है, आपको मार्क्स आपके लगभग पता होंगे, फॉर एग्जांपल 60 या प्लस बनते हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, 60 से 50 में सेकंड डिवीजन है, और 60 से आगे जो है 70 से आगे डिस्टिंक्शन होती है, तो इस डिवीजन के अनुसार आप फिल कर सकते हो। 50 से कम है, थर्ड डिवीजन है, वो ग्रेजुएशन में तो आ गया है, नोटिस नोटिफिकेशन आ चुकी है, सॉरी पब्लिक नोटिस में, जहाँ उन्होंने करेक्शन जो की है बता दिया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है 50% से कम नहीं होगा, सो डिवीजन आप फिल करोगे। क्वेश्चन है, सर, आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म एंड पे फीस कोई भी मैसेज और मेल नहीं आया, क्या किमें पता चलेगा कि फॉर्म सबमिट हो गया है? सर, सिर्फ ओटीपी का मैसेज एक आपके फोन पर आता है, ओटीपी का आपकी मेल पर आता है, ये कंफर्म करने के लिए आप ही हो, तो दूसरा कोई मैसेज दोबारा नहीं आना। मैंने मैंने कैंडिडेट से बात की है, वो कहते हैं आपने स्क्रीनशॉट लेना है जब फीस पे कर देते हो, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका डिस्प्ले होता है सभी की स्क्रीनशॉट ले रखो, उनके प्रिंट ले रखो, वो बाद में जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कोई मैसेज नहीं आया, आएगा आप वेट मत कीजिए। ओके सर, पेपर पोस्टपोन हो सकता है क्या? 20-21 नवंबर को नेट का पेपर भी है, पेपर होने पोस्ट वो नेशनल लेवल का है, ये स्टेट लेवल का है, वो एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, ये सिलेक्शन टेस्ट है, दोनों में फर्क समझिए। तो अभी तक
अथॉरिटी के तरफ से कोई पोस्टपोन होने की, मैंने ये बात अथॉरिटी से 2-3 बार पता किया है, अभी तक उनकी तरफ से कोई पोस्टपोन नहीं है। हाँ, सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी या कोर्ट का चक्कर या पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस कुछ ऐसा होता है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी वालों का अभी वो टेंशन की स्टेट में चल रहे हैं, एक वीडियो उनका भी निकाल रहा हूँ, वो देख सकते हैं उनकी हालत, मतलब क्लियर नहीं है उनको अभी तक कि वो इस नौका में हैं या इस नौका में हैं। बलवीर कौर कमेंटेड, सर सी टेट की वीडियो भी अपलोड हो। थैंक यू बलवीर कौर जी, थैंक यू। मैं अपलोड मैं करता हूँ, ये गवर्नमेंट पोस्ट आई बड़ी 20 साल बाद, एकदम लगा कि मुझे इनके इनको मोटिवेट गाइड करना चाहिए तो इस तरफ लग गया, सॉरी। ये रहा एग्जाम दी क्वेश्चन लैंग्वेज की होगी सर, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या आपका इंग्लिश प्लस पंजाबी, ये दोनों हो सकती हैं, इंग्लिश पक्का होगी। मैं ये भी मैंने अथॉरिटी से बात की थी, तो एक ऑप्शन ये थी क्या क्या इंग्लिश और हिंदी होगा या इंग्लिश और पंजाबी होगा। स्टेट पंजाबी को पंजाब प्रेफर कर रहा है, 10th में पंजाबी चाहिए, नेचुरली दो लैंग्वेज में अगर पेपर बनता है तो प्रेफरेबल ये पंजाबी ही होगी, एक इंग्लिश में पक्का होगा। ठीक सर, फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो दोबारा फिल करने मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए एक इंस्ट्रक्शन आप ये पढ़ लीजिए इसके बारे में, जिनसे गलती हो गई है, ये 6 नंबर है, आप खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है। 8 पेज हैं, इसमें आपने फर्स्ट 6th पॉइंट पढ़ लेना है एक बार, मैं यहाँ भी रीड कर देता हूँ। 6, इन केस ऑफ कैंडिडेट फील दैट ही फिल्ड फॉर्म, ओके गलती कर दी है, फ्रेश फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन, फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और क्लोजिंग डेट से पहले फीस भी दोबारा पे करनी पड़ेगी और आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये जरूरी है। फर्दर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अमेंडमेंट उसके बाद नहीं होगी। ये वाली लाइन, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर विच ही अपियर्ड इन द सिलेक्शन टेस्ट। देखिए आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दोबारा फीस होती है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नया आ गया, आपका जो राइट वाला फॉर्म है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर आप सिलेक्शन टेस्ट में अपियर हुई है, ये जरूरी है, ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट आपका वो गिना जाएगा अगर जिस फॉर्म में आपके गलती हुई थी, अगर आप उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर, उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर आप अपियर होते हो सिलेक्शन टेस्ट में, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो आपको चाहिए कि आप टेस्ट में उसमें अपियर हुए जिसमें आपने राइट करेक्शन इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके सर, जिनका नेट नहीं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? ये मैंने बताया है कि वो जिनकी पीएचडी है 11 जुलाई 2009 से पहले, जहाँ एमफिल है रजिस्टर्ड उससे पहले, ठीक है, जहाँ वो जिनका नेट सब्जेक्ट ऐसा है कि जिनका नेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, वो आपको सिचुएशन पूरी बतानी होगी, फिर आंसर कंप्लीट दे सकता हूँ कि आप फिल कर सकते हो या नहीं। सर दोनों कॉलम में CGPA एवरेज, एवरेज वाले में भी डिवीज़न, हाँ वो आप भर सकते हो ना, मैंने पीछे बता दिया है कि आपने CGPA लिखा है तो डिवीज़न कैलकुलेट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड यू आप फिल कर सकते हो। सर फी पे कर दी है बट उसके बाद मैसेज नहीं आएगा, आपने फी का रिकॉर्ड आप रखना है, पहले बता चुका हूँ। सर पता तो नहीं पता सर के बता आप सकते कि फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, ये बात हो चुकी है। लर्न टू एक्चुलाइज, ओके सर, ये हो गया सर मेरा। सर मेरा कमेंट इतना था, आप वीडियो में आपने बताया नहीं सर बिलोंग टू पंजाब बट नाउ आई एम मैरिड इन उत्तराखंड। आपका मैंने 2 लायर से बात की है जो तहसील में ये काम करते हैं, उनसे भी बात करके ये पता कराया है, इस बात को जरा समझ लेना, अगर किसी और की भी डोमिसाइल की प्रॉब्लम है तो वो कृपया इसे समझ लें। डोमिसाइल बनता है जहां आप मिनिमम 5 साल रह चुके हो पंजाब में, अगर आपकी शादी उत्तराखंड में हो गई है
और वहां रह के आपको 5 साल हो गए हैं, तो आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का बनेगा। ठीक, अगर आपका 5 साल से कम वहां रहने का प्रूफ है आपके पास, 5 साल से कम, तो आपका पंजाब का बर्थ का बनेगा, जहां का आपका बर्थ है। ठीक, तो आपकी शादी कब हुई है आपको ये देखना है, और आप कितनी देर से वहां रह रहे हो। आपने जैसे कहा है कि डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का बना हुआ है, तो आप इट मींस 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वहां का डोमिसाइल बन चुका है, दैट इज वाई आप वहां का ही फिल करोगे। हाँ, अगर आप कुछ बेनिफिट इसका लेना चाहते हो, आपकी वो कैटेगरी है जो पंजाब वालों को बेनिफिट ज्यादा होगा अगर है, ठीक है, तो फिर आपकी अगर 5 साल से कम शादी को हुए हैं, तो आप पंजाब का फिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास प्रूफ चाहिए कि आपकी शादी हुई है, उधर गए हैं, लेकिन डोमिसाइल बाय बर्थ का ही, लीगली फिर बाय बर्थ वाला ही चलता है। सो क्राइटेरिया, योर आंसर इज कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि 5 ईयर मुझे हो गए हैं कि नहीं। दूसरा, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अगर 5 साल से किसी का पुराना है तो वो बनवा लीजिए। जैसे एडवोकेट साहब ने मुझे बताया कि 5 साल के बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। उत्तर नहीं दे सका, मैंने कंफर्म करके ही उत्तर देना चाहता हूँ जहाँ दिया है। हेलो सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। एक प्रॉब्लम है ये है कि फीस पे करने के बाद योर ऑर्डर इज अवेटेड का मैसेज, योर ऑर्डर इज अवेटेड का मैसेज साइट पर आ रहा है, पेमेंट भी अकाउंट से डेबिट हो रही है, तीन चार बार हो चुका है, डू हैव, पता नहीं आगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप कंफ्यूजन में हैं कि मेरी फॉर्म सबमिट हो चुका है या फीस जा चुकी है वहाँ ना, कंफर्म हो चुकी है, तो आप हायर एजुकेशन PB रिक्रूटमेंट @gmail.com पर एक बार अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसको स्टेट करके, क्योंकि वो प्रूफ हो जाता है, उनको सेंड कर दीजिए, उनको रिपोर्ट कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, ये टेक्निकल फॉल्ट है मेरे ख्याल में, जब तक ये आप वीडियो देखोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, हो अगर नहीं हुई तो आप मेल हर हालत में कर दीजिए। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, अगर आपने ऑफलाइन भी फिल किया है ब्रैक में, साथ में रेगुलर भी लिख सकते हो कि रेगुलर कैंडिडेट थे आप, तो इसमें कोई आपकी एलिजिबिलिटी को कोई जहाँ टेस्ट में अपीयर होने में कोई आपको दुविधा नहीं आएगी। ठीक, तो इसमें इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करें क्योंकि आपके पास प्रूफ है ना। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं MCQ क्वेश्चन पर बना रहा हूँ, ये भी बना रहा हूँ तैयारी कैसे करनी चाहिए, जब तक वीडियो आएगी एग्ज़ाम ना आ जाए, वेरी सॉरी, टाइम काफ़ी लगता है रिकॉर्डिंग में ये सारा काम करने में, तो वो ज़रूर देख लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी कि अटेम्प्ट कैसे करना है, तैयारी वाला भी देख लेना। तो इसके अलावा जो नए अपडेट्स हैं वो भी अभी अपडेट कर देता हूँ, वो भी देख सकते हो आप, जो DPI की तरफ से हुए हैं। थैंक यू।